हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बताऊंगा कि एल्स इफ स्टेटमेंट क्या होता है। सॉरी, एल्स इफ नहीं, मतलब एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट क्या होता है। अभी अभी बताऊंगा कि देखो, मैं क्या करूंगा कि एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट क्या होता है कि मतलब एक इफ पार्ट होता है, उसके बाद इफ का एक एल्स इफ पार्ट होता है। मतलब बहुत सारा उसका मतलब जो एल्स पार्ट होता है, इफ का जो एल्स पार्ट होता है उसका उसका भी कंडीशन होता है। मतलब वो कंडीशन उसका बहुत सारा, मतलब एक इफ पार्ट होता है, बहुत सारा उसका एल्स इफ पार्ट होता है। अगर कोई भी एल्स इफ पार्ट अगर मतलब सेटिस्फाई नहीं हुआ तो, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो एक डिफ़ॉल्ट में एक इफ का एक एल्स पार्ट, ओनली इफ एल्स का एल्स पार्ट एक होता है, वो एग्जीक्यूट होता है, तब जाके प्रोग्राम एंड होता है। अभी दिखाता हूँ कि मतलब कैसे एक काम करता है। ये तो मैं बोल दिया, अभी क्या करता हूँ, प्रोग्राम लिखता हूँ। देखो मैं क्या करूँगा कि ये प्रोग्राम, मतलब मैं क्या करूँगा, एक मैक स्टोर करके रखूँगा। मतलब देखो, अगर एग्जाम हुआ, मतलब मार्क निकल गया, हम क्या करेंगे, वो मार्क को ये प्रोग्राम में, इसी प्रोग्राम में डाल देंगे। उसके बाद अगर मार्क 75 से ज़्यादा होगा, मतलब 85 से ज़्यादा होगा, तो ए ग्रेड आएगा। उसके बाद अगर 75 से ज़्यादा होगा तो बी ग्रेड आएगा। तो 65 से ज़्यादा होगा तो, मतलब 65 से ज़्यादा होगा, 75 से नीचे होगा तो, मतलब 65 और 75 के अंदर होगा तो सी ग्रेड आएगा, नहीं तो नीचे, तो और डी ग्रेड आएगा। और नीचे अगर जो जो भी मार्क रहेगा वो डी ग्रेड आएगा। उसी उसी का एक प्रोग्राम लिखता हूँ मैं। पहले मैं क्या करूँगा, एक मेन फंक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोग्राम मेन से ही स्टार्ट होता है। इसलिए मैं पब्लिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग डॉट एच, ये देखो स्ट्रिंग वर्ड मेन। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करना, स्ट्रिंग, क्या स्ट्रिंग एक क्लास है इसलिए स्ट्रिंग, इसके कैपिटल फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। स्ट्रिंग डॉट नहीं, ARG, स्ट्रिंग ARG लिख देना। उसके बाद यहीं से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। अब क्या करूँगा कि मैं पहले क्या करूँगा कि यूजर से इनपुट लूँगा। इनपुट लेने के लिए जावा में एक क्लास यूज होता है, मतलब स्कैनर क्लास यूज होता है। जावा में तो बहुत सारा क्लास होता है, मतलब स्कैनर क्लास जो होता है, हम मतलब जावा में सब बहुत सारा क्लास होता है, मतलब सभी क्लास यूज नहीं होता है। जब हम यूज करते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हम इसको मतलब इम्पोर्ट करते हैं। इसलिए इम्पोर्ट लिखता हूँ, इम्पोर्ट जावा, जेबीए जावा, मतलब जावा क्लास के अंदर, जावा डॉट यूटिल, मतलब सब क्लास के अंदर, जावा क्लास के अंदर यूटिल एक सब क्लास है, उसके अंदर एक स्कैनर क्लास है, यूटिल के अंदर एक स्कैनर क्लास है, मैं इंपोर्ट कर दिया। उसके बाद सेमीकोलन दे दिया, ख़त्म किया। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, स्कैनर। आपको पता है तो आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। स्कैनर ओबीजे, स्कैनर ओबीजे इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, न्यू स्कैनर। हर टाइम मतलब क्लास का कैपिटल लेटर करेगा, मतलब स्कैनर का मतलब क्लास का पहला लेटर हर टाइम बड़ा करना। ये देखो कर दिया मैं, हाँ न्यू स्कैनर। उसके बाद न्यू स्कैनर, अच्छा सिस्टम डॉट इन, यहाँ पर एक आर्गूमेंट लेगा सिस्टम, इसलिए थोड़ा सिस्टम सिस्टम डॉट इन हो गया। अब देखो एरर जा चुका है। अब क्या करूँगा कि मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा, मतलब इंट, इंट मैं क्या करूँगा, नाम लिखूँगा NUM, मतलब नॉम एक वेरिएबल है जो इंटीजर स्टोर कर रखता है। मतलब जो हम यूजर से इनपुट मतलब ले लेंगे, वो एक इंटीजर है ना, इसको हम नॉम नॉम के अंदर स्टोर करके रखेंगे। उसके बाद हम बाद में इसको यूज करेंगे। इंट नॉम लिख दिया, यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए, सिस्टम एस सिस्टम डॉट आउट आउट डॉट प्रिंट एल एन, प्रिंट एल एन।
system.out.println, please enter your mark, मतलब यूजर एंटर करेगा, मैं \ एन दे दिया क्योंकि वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, मतलब जो भी एंटर करेगा नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं लिखूँगा कि नॉम के अंदर स्टोर कैसे होके रहेगा, मतलब नॉम इज इक्वल टू ओबीजे, मतलब ओबीजे डॉट नेक्स्ट इंडेक्स मेथड है, मतलब इसी मेथड के हिस मतलब मदद से हम नाम के अंदर स्टोर करके रखेंगे नंबर को। उसके बाद मैं यहीं से कंडीशन स्टार्ट करूँगा, मैं बोल लूँगा मैं बोलूँगा कि if 85 है, अगर नॉम NUM ऐसे बोलूँगा कि नॉम और नॉम बड़ा होगा, मतलब बड़ा होगा 85 से बड़ा होगा, नॉम बड़ा होगा 85, नहीं तो इक्वल होगा मतलब 85 से अगर बड़ा होगा तो मतलब 85 से इक्वल होगा, नहीं तो उसका बड़ा होगा, इसलिए बड़ा होगा तो क्या करेंगे कि हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे system.out.println your grade is लिखा, एस लिख दिया, आई इज ए ग्रेड। उसके बाद क्या करेंगे कि और एक एल्स लिखेंगे, मतलब एल्स इफ, उसके बाद जो भी कंडीशन आएगा एल्स इफ रहेगा, एल्स इफ ये देखो एल्स इफ रहेगा। उसके बाद यहाँ पर भी कंडीशन लिखेंगे नॉम, अगर नॉम नॉम नंबर मतलब 85 से मतलब 75 से 75 का बराबर होगा, नहीं तो 75 का से बड़ा होगा तो क्या करना, system.out.println को योर ग्रेड इज बी ग्रेड, अगर 65 से नीचे होगा तो सी ग्रेड होगा, इसलिए मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ कि एल सिप, मतलब ये जो ये इतना इंटेलिजेंस है कि इंटेलिजेंस आईडी वो खुद ही सजेस्ट कर देता है, नॉम एनियम नॉम नॉम 87 65 से 65 से बराबर, और नहीं तो ये होगा तो system.out.println तो क्या होगा, system.println योर ग्रेड इज, बोलो क्या है, योर ग्रेड इज डी ग्रेड बोल दिया, उसके बाद डी ग्रेड भी आएगा और कुछ नहीं, मतलब ये कंडीशन सब कुछ कोई भी सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये देखो ये कंडीशन कुछ भी नहीं है, लास्ट में एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट आएगा एल्स, ओनली एल्स, देखो एल्स स्टेटमेंट आएगा, वो वहाँ पर लिखा होगा कि system.out.println your grade is डी ग्रेड, कोई तो ग्रेड नहीं आएगा तो डी ग्रेड होगा, मतलब मैं इस बात कर रहा हूँ कि ये सच में काम करता है, देखते हैं हम इसके अंदर एक नंबर डालूँगा, मैं अभी पहले इसको मैं रन करके दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पर मतलब कोई प्रोसेसिंग हो रहा है, यहाँ पर देखो एक बार आ रहा है, बार आया, ये देखो थोड़ा ये मतलब 50% हो गया, 90% 100%, अब वो पूछ रहा है प्लीज एंटर योर नंबर,
अच्छा मैं तो एक नंबर दे दिया 78, 78 क्या आएगा बोलो। योर ग्रेड इज बी ग्रेड, मतलब ये 85 से ज़्यादा नहीं है, मतलब 85 से नीचे है और 75 से ऊपर है, इसलिए ये बी ग्रेड होगा। और मैं अगर 80 फिर से इसको रन करूँगा, फिर से रन को यहाँ पर देखो 80 दे दिया, 88 दे दिया, मतलब ये 85 से ज़्यादा है, इसलिए इसका ग्रेड ए होगा। और फिर से मैं रन करता हूँ एक नीचे नीचे, ये देखो ये लास्ट प्रोग्राम के लिए अगर मैं इसको 5 दे दूंगा, मतलब 50 दे दूंगा, तो क्या होगा, इसको एंटर कर दिया उसकी, ये देखो सी ग्रेड आ गया, मतलब ये देखो सी ग्रेड आ गया, योर ग्रेड इज सी। और 65 से ये देखो सी ग्रेड होगा, क्योंकि ये 65 है ना, मतलब ये 65, ये 50% है, मतलब ये डी ग्रेड आना चाहिए, मतलब यहाँ पर कुछ कंडीशन नहीं है, मतलब कुछ भी अगर ये काम नहीं करेगा तो योर, अच्छा यहाँ पर डी डी ग्रेड आना चाहिए, एल्स सिस्टम ऑर्डर प्रिंट लाइन, अगर कुछ भी काम नहीं किया, मतलब ये भी काम नहीं किया, मतलब ये तो सी ग्रेड नहीं होना चाहिए, देखो ना सिस्टम नम इसके बराबर, नहीं तो नम इससे बड़ा होगा, तो मतलब ये तो सी ग्रेड नहीं होना चाहिए, ये डी ग्रेड होना चाहिए, सिस्टम योर ग्रेड इज सी दिखा रहा है, योर सी ग्रेड सी दिखा रहा है, मतलब ये 65। अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पर थोड़ा गलती कर दिया मैं, मतलब बड़ा होगा, तो आप देखो 50 दे के दिखाता हूँ, ये थोड़ा ग्रेटर देन स्मॉल देन का प्रॉब्लम था, ठीक है अभी देखो 50 दे देता हूँ, एंटर दबा, ये देखो योर ग्रेड इज डी ग्रेड, अब तो हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अगर कुछ मतलब समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, अगर नहीं तो ये देखो वीडियो को थोड़ा एक बार बैक करके फिर से पॉज करके समझना, मैं थोड़ा जल्दी बता दिया, ठीक है बाय।